देखो भाई आप पैसा देखो, 5 किलोमीटर के 72 रुपए। भाई साहब देख रहे हो कितना लुटा रही है जोमेटो आज। ओहो हो, क्या ही पेमेंट मिल रहा भाई। मजबूरी में 11 से 12 गिग को मेरे को बुक करना पड़ रहा है। ठीक, ये हो गई बुक। अब करो तमाशा जितना तमाशा करना हो। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते कि सब एक नंबर दो कौड़ी को। भैया घर से अभी अभी आ रहे हैं तो एनर्जी वैसी नहीं है। तो अभी पहले टाइम दिखा देता हूँ कि देखो आज संडे का दिन है, 12:25 हो रहा है। मेरा एक ऑर्डर, पहला जो ऑर्डर लगा हुआ है, ये लगा है मिस्टर ब्राउन कैफे, यानी कि इनकी कोई दूसरी आईडी होगी केक कॉलेज के नाम से। तो पहला ऑर्डर यानी केक का लगा, 3 किलोमीटर का ऑर्डर लगा है, 40 रुपये का ऑर्डर है। यहीं कहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा आप लोगों को। और आज जो इंसेंटिव, आज इंसेंटिव थोड़ा सा अच्छा है। आज मैं थोड़ा टाइम से आया हूँ, ऑर्डर चलो रेडी हो गया इनसे, और पहले पिकअप कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको इंसेंटिव का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही भाई, तो मुश्किल है कि उसमें हेलमेट लगा के करेंगे। भाई ये ऑर्डर रेडी हो गया, दे दीजिएगा। आईडी है, अरे यार कहाँ गया, आईडी 4408। चलो पैक हो रहा है ऑर्डर, और इंसेंटिव दिखा रहे कहाँ पर है। आज का सिस्टम संडे फुल डे, ये रहा संडे फुल डे, 250 रुपये का इंसेंटिव है 9 गिग कंप्लीट करने पे और 22 ऑर्डर कंप्लीट करने पे। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। बाकी उनका ऑर्डर ऑर्डर पिक कर ले फटाफट से। पिक हो गया भाई? हाँ हो जाए यार पिक। चलो हो गया मेरे भाई, मिस्टर ब्राउन कैफे के नाम से ना। अच्छा चलो चलो, ये रहा भाई ऑर्डर, ये इसको चलते फटाफट डिलीवर करने। भाई देखो हेलमेट नहीं लगा भाई, बहुत मतलब आज पहाड़ वाली गर्मी मेरे को फील हो रही है। थोड़ा सा मौसम सही होगा तो आपके साथ भी एक दो ऑर्डर वैसे करेंगे इसमें माउंट करके, ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग वाले स्टाइल में। बाकी अभी चलते इसको डिलीवर करने। ऑर्डर लेकर के आया हूँ, लोकेशन गलत है। ये देखो फिर कॉल आई किसी की, तो रुको एक मिनट देखे कस्टमर की किसकी। हेलो, हाँ बात हो गई, सुनिए मैम, ये आपने जो गलत लोकेशन डाली मेरे को ऑर्डर यहीं पे डिलीवर करके, उनका नंबर ले लिया, उनको अभी आके ऑफलाइन डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि पैसे कम कर दे कंपनी, क्योंकि मैंने यहाँ तक ट्रेवल किया है। हाँ बस वो मेरे को लोकेशन भेज दें अंकल जी, मैं पहुँच जा रहा हूँ उनके पास। मैंने उनसे बोला व्हाट्सएप पर लोकेशन मेरे को भेज दो, तो वो भेज रहे हैं मेरे को। ठीक है आप कट कर दीजिए। तो भाई कस्टमर से मैंने लोकेशन मंगाई है क्योंकि लोकेशन है गलत। अब इस ऑर्डर को मैं यहीं पर डिलीवर मार करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी नहीं पता, ये 42 रुपये मिले हैं, यहाँ पर डिलीवर मार कर दिया। ऑर्डर मेरे बैग में रखा है, कस्टमर मेरे को व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजेंगे क्योंकि जो चीज़ बता रहे थे ना वो लोकेशन थी उनके रेस्टोरेंट के बिल्कुल क्लोज में यार। अब यहाँ से वहाँ जाकर डिलीवर करते पैसे मेरे कम हो जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो पहुँच गए फाइनली सर, ये लीजिएगा, धन्यवाद। थैंक यू, आराम से इधर ही रखिएगा उसको। केक में 95% जब कोई बाहर से ऑर्डर करता है लोकेशन गलत होती है। अब यहाँ रेस्टोरेंट बगल में था, अब मैं वहाँ गया जो लोकेशन डाली थी, मेरे को तो पता नहीं था। अब फिर मैं वहाँ से यहाँ आता, यहाँ पर डिलीवर करता ना, तो 20 रुपये देती कंपनी मेरे को। जो इधर उधर घूमा है उसको पैसा ना मिलता, इसलिए मैंने ऑर्डर आपका वहीं पर डिलीवर मार किया, आपका नंबर लिया, आपसे लोकेशन मंगवाई, ये आया। ठीक है धन्यवाद, ओके। चलो भाई ये सिनेरियो था, ऑर्डर तो वैसे भी डिलीवर हो ही चुका है, आपको दिखा दूँ कि 42 रुपये 42 रुपये का ऑर्डर हो गया है, ठीक है। ये पता नहीं 80 रुपये मेरे किस बात के हैं। अच्छा कोई ऑफ़र होगा, वो आज मेरे को पहले से ही दिखा रहा है पता नहीं कब का ऑफ़र, पिछले संडे का हो सकता है। तो अभी तक जो अर्निंग हुई मेरी 42 रुपीज़ की हो गई है, 45 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 12:45 हो चुके हैं। मैंने 12:06:07 पे लॉगिन किया था आईडी को, तो मान लो मेरे लिए आधा घंटा हुआ, आधे घंटे में 42 रुपये की अर्निंग हुई है। बाकी देखते हैं कहाँ से ऑर्डर लगता है। मैं मेरे अपने अड्डे पे आ गया हूँ, और आज संडे दिलीप भाई तो होंगे नहीं, चाय पीछे वाली दुकान पे पीनी होगी मेरे को, ठीक है। मीनवाइल सेकंड ऑर्डर भाई अपना KFC से आया है, चलो पिकअप करते हैं फटाफट से। मैं वो वीडियो देख रहा हूँ इनका, सूरज का, आयुष के पेज से आया सूरज भाई का। तो आयुष का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस पर कुछ अपडेट है, देखते हैं क्या। आईडी 3313 रेडी रखा ऑर्डर मैडम, कहाँ लेके जाना है? पुरानिया बगल में ही देना है, पिक करें? ये देखिए पिकअप हो गया ऑर्डर आपका, ठीक है। चलो, अरे तो आपने कहा पिक करो, अच्छा तब ठीक है।
लाओ लाओ भाई जल्दी लाओ पेप्सी। ठीक है चलो भाई, ये हो गया पिक और यहाँ से जाना है 1.5 किलोमीटर जाना है। ठीक है फटाफट चलते डिलीवर करने इसको। पहुँच गए कस्टमर लोकेशन पे, ये रहा लिफाफा, ये रहा क्वार्टर इनका। ये लो भैया इधर से आ जाएगा, ये ऑर्डर ले लो भैया। धन्यवाद भाई धन्यवाद। चलो भाई दे दिया ऑर्डर। मैं वो वीडियो देख रहा हूँ ना सूरज वर्मा की, मतलब आयुष के चैनल से ही आई है, तो सूरज भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। आयुष का एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, हमारे लखनऊ के जो नंबर वन मोटो ब्लॉगर, मतलब ये दोनों भाई आते हैं नंबर वन में काउंट करते हैं, 29 रुपये से ऑर्डर के मिले। ठीक है 9 मिनट लगा और पुरानिया पर हैं। तो अगर आपसे कोई भी कहे कि कोई मोटो ब्लॉगर का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपके माइंड पहला जो थॉट आएगा वो थॉट यही आएगा कि हाँ बाइक से ही हुआ होगा। लगभग सबके दिमाग में ये चीज़ आ रहा था। ठीक है तो हम लोगों के भी दिमाग में था, हालांकि जो एक्सीडेंट इनका हुआ है वो हुआ है कार से होने। बाकी मतलब पूरी अपडेट अगर जानना हो तो आयुष के चैनल पर चले जाना। आयुष के चैनल पर आज ही अभी अपलोड हुई है वीडियो और पूरा एक्सप्लेन किया उन लोगों ने। लेकिन भाई बहुत गलत हुआ उसका, मतलब अलग लेवल पे यार, एकदम समझ लो कि भगवान ने बहुत बचाया, बहुत ज़्यादा बचाया, बस ये समझ लो। ज़्यादा बड़े तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भगवान भाई मतलब जिस लेवल से हुआ है ना, जो आगे दो लोग चला रहे थे, आयुष चला भी नहीं रहा था, पीछे बैठा था कार में, और बारिश वरिश का मौसम था, पानी वानी भरा था, बताया था ब्रेकर से बाई कार उछली है और किसी चौराहे में जाके टकराई है राउंड अबाउट पे या कहीं पर। तो जो पीछे बैठा था, पीछे बैठने वाले को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि थर्ड लॉ है मे बी, जो भी है उसके बिहाफ पर ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि भाई पीछे वाले के पास कोई ग्रिप नहीं होती, आगे जो बैठा है चलो सीट बेल्ट लगी, एयर बैग्स हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पीछे वाला आराम रिलैक्स बैठा था। खैर आप लोगों को अगर जानना है तो पूरा आप आयुष वर्मा जाना, आयुष वर्मा तो उस पर चैनल पर मिल जाएगी आपको वीडियो पूरी, फुल डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। हालांकि अभी आयुष ने नहीं करी है, सूरज भाई ने करी, लेकिन करी है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे आपसे। ऑर्डर नंबर 3 33 रुपये का 2 किलोमीटर जाना है, छोटा सा ऑर्डर। चलो इस ऑर्डर पे लेकिन अभिषेक वर्मा जी हैं कोई, उन्होंने 20 रुपये की टिप दी है। ठीक है कस्टमर ने, ये बात ठीक है, और ये आया है बीकानेर वाला से। चलो पीछे चलते हैं फटाफट से, आज दे छोटे ऑर्डर दे रहे हो, आज आज एकदम फॉर्म में है, आज दे तुम। ये मेरा तीसरा ऑर्डर है भाई। ठीक है फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करके डिलीवर करने। भैया ये है बीकानेर वाला, ऑर्डर अभी रेडी नहीं है। अनारकली जाएंगे भैया, देख रहे हो अनारकली जाएंगे, काली रजवरी जाएगी, सब कुछ जाएगा। भाई साहब ज़्यादा कहाँ पर है, हैडल कॉलोनी निराला नगर जाना, निराला नगर चलो सही जगह पे कोई मसला नहीं है, और वेट करते हैं दिखते हैं अनारकली कैसी होती है। चलो अंदर पूछते हैं कि भैया अनारकली दिखाओ हमको कैसी है, क्या हाल, बढ़िया है, लूटे रहो कंपनी को, बस हमको अनारकली देखना है, हमको देखना है अनारकली कहाँ है दिखाओ। सही आदमी बैठा हो तो, हाँ सही वाला बैठा है, चलो ठीक है। अरे उस्ताद ये अनारकली और रसभरी, काली रसभरी का ऑर्डर है, अनारकली कौन सी है हमको दिखाओ भाई, देख ले कहाँ पे लिखा है पिंक, ये रही अनारकली भाई, देखो दिख रहा है 63 रुपये में अनारकली है हमारे लखनऊ में बीकानेर में। अनारकली को देखो कुछ याद नहीं आ रहा, देखो याद आ रहा है कमेंट करके बताओ। ऑर्डर भी रेडी हो गया, कहाँ ये है ना, चलो भाई अनारकली रेडी हो गई है, और काली रसभरी इसी में लगी है आगे कहाँ पे, काजू रोड, हाँ हाँ ये है काली रसभरी, देखो भाई। समझ रहे हो, देख भाई धन्यवाद, काली रसभरी भी देख है, हाँ चल रहा धीरे धीरे चल रहा। चलो भाई इन सबको पता ही है ऑलरेडी, काली रसभरी और अनारकली। मजे ही मजे इसकी, चलो फटाफट से डिलीवर करते हैं इसको। है भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई, कस्टमर लोकेशन पहुंच गए हैं, अनारकली अपने सलीम की गली छोड़ के यहाँ पे आ गई। ये लीजिए नेहा जी का नाम सुना, शुक्रिया मैडम वो ऑनलाइन टिप के लिए, ओके ओके
चलो भाई ऑर्डर टिप मिला करके पता नहीं कितने का ही होगा। अब भाई जनरेट हो जाओ जल्दी दिखाएं। ऑर्डर नंबर 53 रुपए का हो गया है और टिप विप सब मिला करके ठीक 23 रुपए का ऑर्डर हाई 33 रुपए का ऑर्डर और 20 रुपए टिप। ठीक मिलते हैं आपसे जब कोई ऑर्डर आता है फटाफट से। मंथ्स लेटर वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। टाइम देखो 9:06 हो रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ, आप डैशबोर्ड देख लो सीधे सीधे, मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा शायद से, तभी आपको विजिबल सही से होगा। अभी देखो विजिबल हो रहा होगा। 6.1 आवर्स और 18 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं मेरे और जो अर्निंग हुई है वो 1157 रुपये की अर्निंग है, टोटल अर्निंग ठीक है, जिसमें कि टिप भी इंक्लूड है और बारिश के भी 60 रुपये इंक्लूड है। ये 80 रुपये पिछले हफ्ते के, 80 रुपये लेस कर दोगे तो आप समझ लो कि 1050 रुपये की अभी तक अर्निंग हुई। अभी 2 घंटे बाकी हैं और 18 ऑर्डर मेरे कंप्लीट हुए हैं। ये जो ऑर्डर आ रहा है चाय सुट्टा बार से 78 रुपीज़ का, कंफर्म करते हैं और चलते हैं क्योंकि 22 ऑर्डर पे इंसेंटिव है मेरा, कुछ आई थिंक 250 रुपये इंसेंटिव है तो वो ज़रूरी है अचीव करना। तो ये ऑर्डर लग गया, इसके बाद मेरे को 3 ऑर्डर और कंप्लीट करने रहेंगे। अभी 6 किलोमीटर का लगा है, 6 से प्लस का लगा, पता नहीं कहाँ ही तो भेजा इन्होंने। अरे कहाँ की लोकेशन आ रही भाई, मैंने खोला तो सही है। चाय सुट्टा बार मैं जानता हूँ, चौधरी चचा की दुकान के बगल में ही है। चलते फटाफट से वहाँ से ऑर्डर पिक करने। तो भाई आज का जो दिन रहा बहुत ही मिक्सडअप रहा है, मिक्सडअप ऐसे कह सकते हैं कि मैं पहले तो बारिश हुई तो बारिश में मेरा मूड ये हुआ कि आज काम नहीं करेंगे, बारिश हुई इसमें छोड़ो हटाओ। हाँ फिर मैंने फिर बारिश में देखा यार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हमने कहा यार करना तो है ये काम, अब रोज़ रोज़ बारिश होगी तो फिर भाई क्या होगा। फिर अपना बुलेट प्रूफ करा खुद को और अपने फ़ोन को भी करा भाई, एकदम पाउच उच में डाल डूल के सही से, क्योंकि हम मोस्टली यही बोलते हैं कि भाई बारिश में काम मत करा करो। मेरे को लगा कि मेरे अंदर से आवाज़ आई हाँ कर सकते हैं तो मैंने किया। अगर आपके अंदर भाई आवाज़ नहीं है या ज़रा सा भी गड़बड़ लग रहा तो भाई बारिश में मत काम करना। बाइक दिक्कत हो सकती है, आपका फ़ोन भीग सकता है, आप खुद परेशान हो सकते हो, गाड़ी ख़राब हो सकती है, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज कोई नहीं, मतलब 3 ऑर्डर मैंने करे बारिश में, ये समझ सकते हो कि 60 रुपये की मैंने एक्स्ट्रा अर्निंग करी है। जाने को क्या है, बहुत कुछ जा सकता है आपका मोबाइल, ये वो तमाशा, ये है चाय सुट्टा बार। लेकिन गाड़ी तो यार हम इधर लगाते नहीं है, पहले तो देखे ऑर्डर रेडी है कि नहीं। सबसे मसला का विषय तो ये है, देखो कोई फ़ोन कर दिया लौंडे ने। हाँ बोलो भाई क्या कह रहे हो, पता नहीं ऑर्डर बहुत तो नहीं, अभी तो मेरा लगा है, देखो फ़ोन कर रहा है। देखो अभी ऑर्डर रेडी होने में 7 मिनट लगेंगे, जब भेजा है उन्होंने कहाँ पे, केसर बाग भेज दिया है। चलो कोई मसला नहीं, ऑर्डर सही जगह शहर की तरफ भेजा तो ईजी है कि अब अपने 22 ऑर्डर हो जाएंगे ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पे। रहा ऑर्डर चाय सुट्टा बार का, डालो बोरे में, जाना है लेकर के पता कितने किलोमीटर, खोल लें मैप फिर दिखाते हैं आपको एग्जैक्ट। 6.6 किलोमीटर दिख रहा है ना आपको एकदम, 16 मिनट लगने वाले हैं। ये किसी होटल वोटल में देना है ऑर्डर और कैसर बाग में देना है तो कैसर बाग में। इसके बाद भाई 3 ऑर्डर भाई उम्मीद है। देखो मतलब जानकीपुरम नहीं भेजा, उधर भेज दिया तो अब जानकीपुरम भेज के करेंगे भी क्या, सुबह से तो वहीं नचा रहा भाई, बारिश इतनी हुई सब कुछ होने के बावजूद वहीं नाचते रहे जानकीपुरम के ट्रैप से। अपनी मर्ज़ी से उसने एक ऑर्डर निकाल के अभी जस्ट जो डिलीवर्ड किया ना मैंने ऑर्डर, ये यहीं पे क्या कहते हैं आपका पुरनिया पे, तो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भेजा यहाँ तक। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं पैसे, लेकिन भाई संडे के दिन तो आया है, क्या पैसे देता है जोमेटो यार, क्या ही पैसे देता है। खैर चलो निपटाते हैं फटाफट से इसको। आएँ पहुँच गए हम, ये कौन सा होटल है, होटल हीरा मोती, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि लिफ्ट के सामने खड़े रहिए हम आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो आओ आराम से आओ, कोई मसले मसाइल नहीं अपने पास। अमीनाबाद में वजीरगंज लिख के आता लेकिन ये अमीनाबाद का एरिया लगता है। तो देखो कस्टमर आ रहे हैं फटाफट से ठीक है गाइस, कस्टमर तो आ ही रहे हैं। आप ये लोग चेक करो क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय का अंदर होटल के अंदर आना सख्त मना है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो, दोनों ही तरीके से ले सकते हो भाई। इससे अच्छी बात यह है कि भाई आपको ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद आएंगे। देन बुरी बात यह है कि जिसने भी लिखा है अब उसकी मेंटालिटी देख सकते हो आप लोग खुद, किस किस तरह के लोग भी हैं भाई। आपका किस नाम से, ठीक है चलो भाई ये ऑर्डर अपना होता है डिलीवर्ड यहाँ पे फटाफट से, फटाफट के अंदाज में। अब 3 ऑर्डर और चाहिए अपने पास है, पूरा 1.25 घंटा 81 रुपया पे भाई बहुत सही है। 7 किलोमीटर मतलब टोटल आए हैं, फर्स्ट माइल लास्ट माइल मिला करके 6.5 था तो 6.5 किलोमीटर का 81 रुपया बहुत सही दे रहा है। तो
बल्ले बल्ले हो जाएगा मैं, बस हमको तीन ऑर्डर और कराओ, जितना ऑर्डर लगेगा सट से लगेगा, यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं भैया, कुंडली हमारे बैठे रहेंगे। प्रेम नॉनवेज पॉइंट हजरतगंज चाइना बाजार, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हजरतगंज वाले ने खींच लिया है प्रेम नॉनवेज पॉइंट ने, यहाँ से मल्टी लगने के चांसेस हैं। 5 किलोमीटर के 65 रुपये भाई, क्या ही कहने हैं। चलो ये फटाफट चलते हैं, इसको पिकअप करने हैं प्रेम नॉनवेज पॉइंट। तो गए भैया प्रेम नॉनवेज पॉइंट, ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये उन्हीं की है, लेकिन अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, अभी 7 मिनट लगने हैं। अरे निकालो ना, क्या दर्द है। एक पंकज मटन स्पेशल लिखा है, कुछ पता नहीं क्या ही आइटम है, जो भी जाएगा। त्रिवेणी नगर लेके जाना है, कोई मसला नहीं, जल्दी दे दे बस, इसके बाद 2 ऑर्डर और करने हैं। चलो भैया रेडी हो गया, देखो भैया पिक हो गया है, चलो चल रहे भैया यहाँ से 5 किलोमीटर, 5 ही खुलना चाहिए, हाँ 5.1 है, ठीक है चलते, 12 मिनट लगने हैं इसको। लाइए, हाँ 200 दे रहे हैं, असली है ओके, चलो ठीक है दे रहा 200 आपको, फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करते हैं भाई और मिलते हैं, 10 बज गया ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर पे मिलते हैं आपसे। अभी त्रिवेणी नगर में ही हूँ, 63 रुपये मिला इस ऑर्डर का, 25 मिनट लग गए हैं, 200 रुपये कस्टमर को निकाल के दे दें फटाफट से। तो कस्टमर पैसे निकाल ही रहे थे, तो नुक्कर के कॉफ़ी करके कोई रेस्टोरेंट ये लीजिएगा, धन्यवाद। 230 मीटर दूर पे ही है, मतलब यहाँ त्रिवेणी नगर में कोई, आई थिंक सो इधर ही कहीं पे, ये कौन सा नुक्कर। चलो फटाफट से छोटा ऑर्डर लगा दी ना मेरे लिए, तो और अच्छा कर दी ना कि 22 ऑर्डर हो जाएंगे। ये मेरा 21वां ऑर्डर लगा है गाइस, 2121, बचपन में पढ़ते थे ना याद है। चलो तो भैया उसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हीं ने मल्टी कर दिया है 27 रुपये का, पता नहीं कोई चाय करके रेस्टोरेंट है, तो नुक्कर कैफे और चाय मे भी दोनों एक ही होंगे रेस्टोरेंट मे भी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ यहीं पे आस पड़ोस, तो देखते हैं। आ तो गए नुक्कर कैफे और चाय, ये सब मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान की 2 ID हैं, तो ये ही दिख रहे हैं मेरे को भाई। हाँ गिलास विलास रखे हैं, नुक्कड़ कैफे और चाय पूछ ले रहे हैं इनसे, दोनों रेस्टोरेंट इन्हीं के ही हैं कि अलग अलग है। एक तो क्या लिखा है, टाइम लगेगा अभी, कहाँ देना है, यहीं देना है त्रिवेणी नगर में ही, आउट कप कॉफ़ी, रेस्टोरेंट मार्क कर दिया है इन्होंने फूड ऑर्डर। भैया ऑर्डर पिकअप हो गया है, पता नहीं कौन कौन तो रास्ता दिखा दी से हमको, झूम 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 करके जाओ, और ये रास्ता अरे ये भी सही है, तो अपन इस वाले रास्ते जाएंगे, 1.3 किलोमीटर, हमको 700-800 मीटर नहीं जाना है भाई। जंगल जलेबी बना दिस्ता एकदम आड़ा तेड़ा, हमने कहा ना। तो भैया इन दोनों ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, वो भी सेम कस्टमर डिलीवरी है, और तो मेरे 22 ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएंगे, यानी कि मेरे 250 रुपये वाला जो इंसेंटिव है वो फटाफट के अंदाज पे अचीव हो जाएगा। चलो इनको डिलीवर करते हैं, फिर देखते हैं कि और भी लगेंगे नहीं, 10:13 हुआ है, एक ऑर्डर और करेंगे, फिर उसके बाद गो टू होम पे करेंगे ठीक। आप ही खड़े हुए हैं इसका मतलब, दे रहे भाई आपका किस चीज़ का ऑर्डर है, चाय का कॉफ़ी का। भाई हम चेक कर ले रहे हैं, देखो इसमें लिख के आराम बता रहे हैं, एक सेकंड दिखा दें हम पहले, एक सेकंड दिखा ये दिखा, 74 रुपये हुए हैं, बादशाह नाम है ना, बादशाह देखो ऊपर लिख के आ रहा है सेम ऑर्डर डिलीवरी, इस ऑर्डर में है आपका एक कप हॉट कॉफ़ी 74 रुपये की है, हाँ 2 ऑर्डर आपके नाम से है, नहीं कहाँ कर दिया, 74 रुपये लेने हैं आपसे भाई, और क्या कैश ऑन डिलीवरी है, पहले इसको पे करो आप, तो फिर दूसरा देखें क्या है, हैं कॉफ़ी नहीं चाहिए तो ये कैंसिल होगा, हैं चाय का कर दिया है तो इसका क्या, ये कैंसिल करवाओ क्या, क्या देखे बताओ क्या चीज़ है, 119 रुपये 1 सितंबर, हाँ तो ये आपने 2 ऑर्डर करें, एक कॉफ़ी, हाँ आपने दोनों करें, नहीं एक ऑर्डर को आपने पे करा है, दो करते दो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो करा है पहले इसके ऊपर वाला ऑर्डर मेरा खुला है ना, इसका पहले रिजॉल्व करवाना पड़ेगा आपको, या तो पे करो या तो कैंसिल होगा, हैं कैंसिल करें क्या, हम वो टिकट रेस कर रहे हैं, कंपनी बात करेगी, कौन सा ऑर्डर है पहले तो देखें, कॉफ़ी भैया को चाहिए नहीं, और चाय
चाय का उन्होंने पेड कर दिया। 5357 ऑर्डर आईडी है। चलो टिकट ट्रेस कर रहे हैं 5357 के लिए। 5357 ये रहा कि कस्टमर एड्रेस लोगे कस्टमर आज टू कैंसिल ऑर्डर। कैंसिल ऑर्डर के लिए प्रक्रिया, अरे आपको वो कॉल आएगी ना, आप एक बार टिकट ट्रेस करो अपने फ़ोन से। ये मैं आपको चाय भी नहीं दे सकते क्योंकि मसला है ना, क्योंकि आप पे कर दो क्यों खाम खाम कैंसिलेशन लगवाओ, वो 74 रुपये की बात है, वो कैंसिलेशन आपसे ले ही लेगा, इसलिए बोल रहा हूँ 74 रुपये की बात है, आप पे कर दो खटाखट से। दोनों मिलेगा ना? हाँ दोनों मिलेगा मेरे भाई, मतलब ये वाला 74 दिखा रहा, अगर वो भी सी होगा तो वो भी देना पड़ेगा और क्या। ये लो रुक जाना एक मिनट, अब पे करो 74 रुपये है। हाँ ठीक है, उसमें सेम कस्टमर डिलीवरी लिख के आया, तभी आपसे पूछा, आपने कहा कि हाँ हमारे यहाँ लफजब में दो हो गए ऑर्डर, आपने चाय क्या होगा देखो। चलो एक तो ये डिलीवर्ड करे ऑर्डर, दूसरा भी ऑर्डर देख ले, वो तो सीओडी तो नहीं है, नहीं ये सीओडी नहीं, ये पेड है भाई। कभी भी रहा करे तो कैंसिल ना करा करो। ये रही कॉफ़ी, ये रही चाय, ठीक है धन्यवाद भैया। चलो भाई दोनों ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए, 27 रुपये 77 पैसे मिले, अपने 22 ऑर्डर कम्प्लीट हो गए हैं। और हम सोच रहे हैं यार गोटू हम अभी खेल ले क्या, देखो कोई मसला नहीं ज़्यादा टाइम मतलब रहेगा नहीं। 10:20 हो रहा है और अभी हम शांति वाटिका यानी कि खदरा त्रिवेणी नगर, खदरा नहीं त्रिवेणी नगर कह सकते हो, ये शांति वाटिका सामने दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा भाई, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, दिखा ठीक है। कस्टमर पता क्या बोल रहे, कह रहे कि कैंसिल कराओ, हमने कहा कैंसिल कराओ, और फिर उन्हीं मतलब उनको तो कुछ थोड़े से वो कस्टमर थे कि अनएजुकेटेड थे, तो कह रहे कि लो भाई करो हमको कुछ नहीं पता है कैसे क्या होता है क्या नहीं। और तभी भाई देखो उनसे इत्तेफाकन दो ऑर्डर एक साथ हो गए, तो हमने कहा यार हम कैंसिल करेंगे, और फिर पैसा ही था, पैसा नहीं था, 70-74 रुपये की बात है, हमने कर दो कैंसिलेशन लगवाओगे तो लग ही जाएगी, वो किसी ना किसी ऑर्डर में कंपनी आपसे कम ले ही लेगी, चार्ज कर लेगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो अभी जाओ चाय भी पियो कॉफ़ी भी पियो खुद पियो मोहल्ले वाले पिलाओ। देखिए भैया नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से लगता है, अगर थोड़ी देर और वेट करते नहीं लगता है तो फिर मैं गो टू होम लगा लूँगा और घर की तरफ रवानगी भी ले लूँगा। कोई एक लंबा ऑर्डर लगा दे भाई कसम से, यहाँ से खींचे हमको पता है कौन, कोई ऐसा आदमी खींचे और सीधे जानकीपुरम दे दे एक ऑर्डर, एक ऑर्डर जानकीपुरम की दरकार है। चलो वेट करते हैं भाई, वीडियो हो गई ना लंबी, हो जाने तो भैया। ऑर्डर तो लगा नहीं लेकिन ये दुकान है इनके गोल्डन बर्ड के नाम से, दिख रहा है कि नहीं, पहले तो विजिबल करा दे सही से, ये दुकान है गोल्डन बर्ड के नाम से ठीक है। यहाँ पर जा रहे थे तो लोअर दिखे टंगे हुए, तो हमने कहा मेरे पास लोअर नहीं, दो लोअर हमने इधर कसा लिए, अब इसको रखते हैं बैग में और मोबाइल में लगाते हैं गोटू होम। ये जगह पे यार कैसे बताएं कौन सी जगह है, अवध एजुकेशनल स्कूल से पहले राइट साइड में है, लेकिन भाई प्राइस पॉइंट बहुत बहुत सेक्सी प्राइस पॉइंट पे मिल गया, मतलब बताएंगे आपको कितने रुपये का भाई, 800 रुपये के दो, 400 रुपये में दो लोअर मिले तो भी प्योर कॉटन के, तो मेरे को सही लगा, मैंने कहा ले ले यार मेरे पास कॉटन के लोअर नहीं, ये पहने हैं यार ये सब पता है ये बड़े टफ़ हैं यार, ये टंगे तो ये वाले भी हैं एडिडास के नॉर्मल से, वही कॉपी ओपी जो से बोलते थर्ड कॉपी जो भी है, बट मज़ा नहीं आया। चलो लगाते हैं अब जानकीपुरम का गो टू होम, अब कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा। 10:27 हो गया, क्योंकि जो भी ऑर्डर लगेगा वो लास्ट ऑर्डर कर देंगे ठीक है, घर भी चलना है। हमने कहा एक ज़रा बता दे कि हमने यहाँ से लोअर ओवर खरीद लिया, कभी इधर से निकलो तो ट्राई करना अगर आपको उचित लगे तो ठीक है। हाँ भाई बताओ बताओ क्या चीज़ जानना है इस बड़वे को। ये देखो गाइस मेरा लास्ट ऑर्डर लगा, पैसा देखो भाई आप, पैसा देखो 5 किलोमीटर के 72 रुपए, भाई साहब देख रहे हो कितना लुटा रही है जोमेटो आज, ओहो हो क्या ही पेमेंट मिल रहा भाई। क्लाउड 9 किचन से जो ऑर्डर लगा था ना भेजिस पता कहाँ पे, ये देखो ये है लोकेशन, नदी के उस पार भेज दी से, ये ठाकुरगंज के पास भेजी से, अब बताओ क्या करें, मजबूरी हो गई ना मेरी कि एक शिफ्ट बुक करना क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 22:38 हो रहा है यानी 10:38, इसको डिलीवर करने में 18 मिनट लगेंगे, इनको बनाने के बना के देने में भी टाइम लगेगा, तो मजबूरी है भैया। यहाँ पे आओ चुपचाप, इस पे आओ, गिग पे आओ, गिग यहाँ दिख रही होगी 11 से 12, कहाँ गई मजबूरी में 11 से 12 गिग को मेरे को बुक करना पड़ रहा है ठीक। ये हो गई बुक, अब करो तमाशा जितना तमाशा करना हो। ये भगवान क्या जुलूम है। तो गाइज ये रहा मेरा लास्ट ऑर्डर, डिलीवर करता हूँ फटाफट से आपके साथ में 5-स्टार रेटिंग के साथ में, और टाइम चेक करो गाइज, मतलब 12:06 हो गया आज मेरे को, 12 बज गए भाई काम करते करते। तो
तो अर्निंग जो कुछ भी सबको घर चल के बताते हैं। ये ऑर्डर मेरा 67 रुपीज़ का था, ठीक है, बाकी घर चल रहे हैं, घर चल के बताते हैं। बहुत लेट हो गया आज तो भाई, बाप रे बाप। हाँ तो भैया जी आ चुके हैं घर पे, एकदम खा पी के एकदम फिटम फिट होकर। नहाया नहीं क्योंकि घर वालों ने मना कर दिया कि बाहर से आए हो तुम, पूरा दिन भीगे हो और अगर नहा लोगे तो तबीयत में तुम्हारी इजाफा हो जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगी। तो हमने कहा ऊंच नीच ना हो, नहाओ ना, चुपचाप खा लो, मुँह हाथ धो लो और चुपचाप अपना जो भी करना है एडिट करना है कर लो, चुपचाप सो जाओ। अभी जो घर पहुंचे हैं तो मतलब खा पी करके जो अभी टाइम हो रहा है, टाइम बता दे रहा भाई 1:30 बज रहा है, 1:31 या 1:34 हो रहा है, तो टाइम को ज़्यादा हो गया। मैंने आज 12 घंटे जोमेटो में काम करा है और जो अर्निंग हुई, अर्निंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आप लोगों को। टोटल 1500 कुछ रुपए की ये अर्निंग है, 1567 की जो भी है, और देन मेरे पास 67 का में भी ऑर्डर लगा था, तो टोटल जो मेरी अर्निंग हो रही 1600 प्लस हो रही है। तो 12 घंटे के हिसाब से आप लोग बताना कैसी है, ठीक है या गलत है जो भी है। और हाँ, ये 1600 रुपये की अर्निंग नहीं, अर्निंग 1600 में 80 रुपये कम कर देना तो 1500 रुपये की, मतलब मान लो 1550 रुपये की अर्निंग होगी टोटल मिला जुला करके। 80 रुपये पता नहीं पिछले वीक का कुछ तो दिखा रहा है सेटलमेंट करके ऑफर्स में, तो उसको हटा देना, ठीक है। जो अर्निंग है एक्चुअल अर्निंग 1550 रुपये की, आप लोग बताना कैसी अर्निंग हुई है। और जो आज पेट्रोल लगा, 300 प्लस का पेट्रोल लग चुका है, तो 300 काट लेना भाई। और पेट्रोल के खा पी करके जो अपन को बचा है 12 घंटे में 1200 रुपये बचे हैं, आप लोग बताना सही है या गलत है। मेरे को ये अर्निंग थोड़ी ठीक लगी है संडे के हिसाब से, और आज बारिश हो रही थी तो बारिश में पता कई ऑर्डर मैंने डिलीवर्ड करे जिसका पैसा मेरे को रेन का नहीं मिला, और वो माइनर थी, बहुत माइनर सी मतलब बारिश थी, तो हो सकता है वो डिटेक्ट ना कर पा रहा हो, बट गलत हुआ जो भी हुआ, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। पूरी पेलम पेल मेहनत कर रही है, आज बोला था कि 100% देंगे तो 101% दिया, 1 घंटा और गेगम में लास्ट में बुक कर ली थी 11 से 12 वाली, तो सपोर्ट दिखाना, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और जय हिंद जय भारत। मेरी एक एडवाइस है, कभी ना हाथ छोड़ना, मंजिल को पास रख तू, उससे वास्ता ना तोड़ना, लास्ट तक ये खास कर तू, रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव, सिर्फ आज का ना सोचना।